गाइज, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीएचपी में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है अगर आप बेसिक लेवल तक रहना चाहते हैं तो। यानी कि छोटा सा वेब एप्लीकेशन अगर आप डेवलप करेंगे तो आप अभी तक कोर पीएचपी में जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है, मतलब कोर पीएचपी की सिर्फ बात नहीं करना अच्छा नहीं रहेगा। मतलब इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पीएचपी में, तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपने अभी तक जो पढ़ा है और कुछ डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हैं उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका वेब एप्लीकेशन बन सकता है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, बड़ा सा वेब एप्लीकेशन, आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उसको अगर आपको सही तरीके से मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ेगी तब आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता महसूस होगी। सो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। इसमें आप अपने प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट में ब्रेक कर देते हैं, अपने कोड को ब्रेक कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, और उस ऑब्जेक्ट का आप अपने प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं, जिससे कि आपको अपना प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम के सिमिलर लगता है और उसको मेंटेन करने में आसानी होती है, उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब सिंपल सा ये है कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब ऑब्जेक्ट है। आपके पास मोबाइल, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपका मोबाइल ऑब्जेक्ट है। आपका अगर पीसी में देख रहे हो तो पीसी ऑब्जेक्ट है। लैपटॉप है तो लैपटॉप आपका ऑब्जेक्ट है। सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के एक सेपरेट वीडियो देखेंगे हम लोग, उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप लोग क्या करते हैं कि आप अपने कोड्स को ऑब्जेक्ट में, अपने कोड को ब्रेक कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, और उसके थ्रू आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, जो कि बाकी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसकी अपेक्षा ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा है, आपका जो प्रॉब्लम है बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको आप सॉल्यूशन निकालते हैं, इसीलिए यहाँ इजी हो जाता है उस बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्लास ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्लास क्या होता है, देन देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।